अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू समरीना एंड इमरान्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही यम्मी सी मुगलई शाही सब्जी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कोई सब्जी भी इतनी टेस्टी बन सकती है। तो चलिए आपसे बताते हैं कि इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैंने 1 कप बीन्स ली है, 1/2 कप पीस लिए हुए हैं और 1 कप कैरेट्स ली हुई है और 2 कप्स मैंने कॉलीफ्लावर के पीसेस ले लिए हैं और 1 कप के आसपास मैंने पोटैटोस पीसेस लिए हुए हैं। वेजिटेबल्स को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके और कट करके रख लिया है और वेजिटेबल्स का बहुत ही स्मॉल साइज नहीं लीजिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट ग्रेवी में निखर के नहीं आएगा। 2 मीडियम साइज की अनियन ली है जिन्हें कट करके रख लिया है और यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून दक्षिणी मिर्च का पाउडर लिया है और 1 कप फ्रेश क्रीम ली हुई है और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है और सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिए। 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं जिनमें से 2 टीस्पून मगज और 2 टीस्पून तिल ली हुई है और 8-10 आलमंड्स के पीसेस लिए हुए हैं और 8-10 मैंने कैश्यू नट्स के पीसेस ले लिए हैं जिनका मैं पेस्ट बना के ग्रेवी में मिक्स करूंगी। यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ली हुई है और 2 ग्रीन चिली ली हुई है जिन्हें मैं गार्निशिंग के लिए और ग्रेवी में यूज करूंगी। तो चलिए हम फटाफट इस मुगलई शाही रेसिपी को बनाने का आगाज करते हैं। तो बर्तन में पहले 1/2 कप के लगभग ऑयल ले लेंगे और अब हम इसमें कटी हुई अनियन को ऐड करेंगे, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि अनियन को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, ना ही इसको गोल्डन करना है ना ही पिंक करना है, बस इसको हल्का सा भून लेना है। उसका रीजन ये है कि हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं और व्हाइट ग्रेवी में कभी भी अनियन डार्क फ्राई नहीं करी जाती है। इसको बस इतना पका लीजिए कि ये सॉफ्ट हो जाए, कच्ची ना रहे। अनियन अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये भी लगे नहीं और इसे अच्छे से भून भी लेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप जब भी खाने में यूज करें इसे बहुत अच्छे से भून लें क्योंकि इसकी कच्ची स्मेल खाने में लज्जत नहीं आने देती है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भुन गया है, अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हम पहले इसमें पोटैटोज और कैरेट्स को ऐड करेंगे क्योंकि ये कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और इसके बाद हम इन्हें कवर करके 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। कवर करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड करेंगे। जब तक हमारी वेजिटेबल्स कुक हो रही है, मीनवाइल हम ड्राई फ्रूट्स की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा मिल्क ऐड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट रेडी कर लिया है और अब हम देखते हैं वेजिटेबल्स का क्या हाल है। तो पोटैटो और कैरेट्स सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। तो सभी वेजिटेबल्स को ऐड करके अच्छे से स्टिर कर लेंगे। तो अब हम इसके साथ ही बाकी के मसाले भी ऐड करते जाएंगे ताकि वो भी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से भुन जाएं। सभी सब्जियां मिक्स होके माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अब हम इसमें कोरिएंडर पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिए। अब हम सभी मसालों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से स्टिर कर लेंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर वेजिटेबल्स में खूब अच्छे से आ जाए। तो वेजिटेबल्स में थोड़ा वाटर ऐड करके इसे कवर करके हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे ताकि सभी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएं।
तो हमारी वेजिटेबल्स को कुक होते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसे ओपन करके इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और इसे हम स्टिर कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स पेस्ट के साथ थोड़ा हम इसे कुक कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ हमारी वेजिटेबल्स पकने से बहुत ही यम्मी और डिलीशियस खुशबू आ रही है। इसके साथ ही अब हम इसमें गरम मसाले को ऐड करके इसे और डिलीशियस बना देंगे। वेजिटेबल्स गरम मसाले के साथ अच्छे से कुक हो गया है और अब हम लास्ट में इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से स्टिर कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर करके इसे कुक कर लेंगे। तो हमारी वेजिटेबल्स को कुक होते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे देखते हैं कि इसका क्या हाल हुआ है। तो माशाल्लाह से देखिए ये कितनी यम्मी और डिलीशियस कुक हुई है और इससे बहुत ही बढ़िया सी खुशबुएं आ रही हैं। चलिए अब इस बढ़िया से खाने को डिश आउट करते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं। माशाअल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बना है, आप जरूर से इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो सी यू एट न्यू रेसिपी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।